जी वीडियो को शुरू में बता दूं, मैं बनी मालक की दो ही चीजें मशहूर, एक गड्डियां द तूत, दूजा बिल्लियां द कू। सीधी बात कर रहा मैं, हूँ बनी मालक ग्रह कब जा रहा है ये आपको बताता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जद्दा में आपको पता है जी जोरों शोर से काम जारी है इस वक्त। अब वो ये है जी कि जद्दा में ये आप बामक्का वाला देख लें, अशरफिया वाला देख लें, और इसके अलावा पुराना रोड जो बामक्का वाला वहाँ का विज़िट कर लें, ये तमाम तर इलाके गिराए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें अशरफिया यानी कि बामक्का एंड अशरफिया वगैरह की, तो वहाँ से मैं लाइव वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। मेरा वहाँ पर जो अशरफिया में बिन लादन का कैंप है, बड़ी गजात यानी कि शीशे वाली बिल्डिंग के अंदर एक मैं काम के सिलसिले में जाता था, किसी बंदे से मिलना होता था, तो मेरा अक्सर गुजर होता था, आपके साथ मैंने लाइव वीडियो भी शेयर की थी। अच्छा, इस वीडियो में आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं ये अभी कन्फर्मली कह दिया गया है, क्लियर न्यूज़ सामने आ चुकी है जी, जद्दा में 60 से जायद कच्ची आबादी वाले एरियाज जो हैं वो गिराए जाएंगे। थोड़ा मैं आपको बता दें इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि अभी तक आपको पता है ये एरियाज कुछ गिराए जा चुके हैं, और इनका काम रमज़ान से पहले पहले यानी कि अभी कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद यानी कि रमज़ान के अंदर भी क्या कुछ एरियाज गिराए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई बंदा बोल रहे तो वो झूठ बोल रहा है। रमज़ान में कोई भी किसी किस्म की भाई ये कच्ची ये वाला एरिया गिरा देंगे, ये वो गिरा देंगे, ये सब झूठ है। रमज़ान में कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी, आपको पता है रमज़ान में ये लोग आराम करते हैं। उसके बाद रमजान के बाद कौन से एरियाज गिराए जाएंगे, मैं खुद से बनी मार्क में रह के आया हूं, आपको पता है बहुत से लाइव वीडियोस मैंने आपके साथ बनी मार्क से शेयर की हैं, बवादी से शेयर की है, एंड फैसलिया से भी कुछ शेयर की थी। बकायदा आपके साथ जद्दा का मुकम्मल टूर करवाता रखूंगा आपको, खासकर सख्ती वाले मामला जब चल रहे थे उस टाइम, आप भाई की तरफ से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। अच्छा, रमजान के बाद कौन से एरियाज हैं जी जहां पर काम शुरू कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि रमजान के 3 माह बाद 2 माह बाद इनकी, नहीं, रमजान के फौरन बाद अलखला लिख दी जाएगी इन तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर, और आपको वहां से नकल मकानी करना होगी। पहले जद्दा फुल हो चुका है, खासकर वादी अमरीख वाली साइड पता है जी आपको, वहां पर बहुत से लोग जा चुके हैं और रिहायशों के किराए भी बहुत हो चुके हैं। अभी उन इलाकों के नाम सुन लें, शायद मैं यहां पर आपको साथ में दिखा भी देता हूं कुछ पिक्चर्स वगैरह। जद्दा के यानी कि बनी मालक वाली साइड है जी, जो बनी मालक जहां पर से मैं आया हूं, वो रमजान के फौरन बाद उसको गिराया जाएगा, यानी कि फौरन से मुराद यही है कि 5-7 दिन 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन काम शुरू कर दिया जाएगा। अल वरूद, मुशरफा, अल जामिया, हैयल रहाब जिसे कहा जाता है, वो अजीजिया। अच्छा, दो इनमें इलाके काबिले गौर हैं, एक तो बनी मालक और एक अजीजिया, रुआबी भी है, रबुआ भी है, और इसके अलावा गवेजा भी है जी, और इसके अलावा किलो अरबाताश जी, किलो अरबाताश वाला एरिया, किलो अरबाताश शमाली लिखा हुआ है साथ में, ये तमाम तर एरिया भी रमजान के फौरन बाद गिराना शुरू कर दिया जाएगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया कि 60 जद्दा के, सिर्फ बात कर रहा हूँ जद्दा के, जद्दा जितना बड़ा है जी शहर, जद्दा की 60 ऐसी जगह उन लोगों ने मखसूस की हैं जिनको गिरा कर दोबारा तमीर किया जाएगा। एक बेहतरीन अमल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वक्त मैं बनी मालक से आया हूँ, तो बनी मालक में जो मैंने रश देखा है ना गाड़ियों का और गली मोहल्लों की जो सूरत देखी है, ये तमाम तर निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, बिल्डिंग्स वगैरह खुली बनेंगी, और मजीद कारोबार मेरे हिसाब से खासकर लेबर हजरात के लिए मजीद अब साइल खुलेंगे। तो अभी रमज़ान के बाद इन इलाकों भाई कार्रवाई शुरू हो जाएगी, रमजान के अंदर बिल्कुल नहीं, आप आराम से रह सकते हैं।